हेलो दोस्त, कुछ दोस्तों का कमेंट आया है कि रेलवे का ट्रेनिंग ज्वाइनिंग या और सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड पोस्टपोन्ड हो रही है, तो क्या करना चाहिए कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के रूप में। तो खास करके अभी ग्रुप डी का रेलवे में ज़्यादा प्रोसेस हो रहा था, थर्ड डीबी कह सकते हैं, या और भी प्रोसेस था। एलपी टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग था, किसी का ट्रेनिंग चल रहा था एलपी टेक्नीशियन का, और वो धीरे धीरे करके अब क्लोज होने लगा है। तो कुछ आया है स्टेटस, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे स्टेटस हमारे पास जो सामने है, सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि दिल्ली में एक कैंडिडेट ने बोला है कि लखनऊ तो यहाँ पे देखिए लखनऊ, फिरोजपुर और ये बाकी जगहों पे हमारा ये ट्रेनिंग का कैंसिल हो गया है। कब तक? तो 31/3/2020 तक। तो बिल्कुल ये प्रिवेंटिव रूप से कैंसिल हो रहा है, 17 तारीख के डेट में आया है और आज तारीख है 18/3/2020। इसी तरह कोई और आरआरबीओ में आगे की प्रोसेस कैंसिल हो रही है। पहले एक बार अगर यहाँ देखना चाहेंगे तो हम देखते हैं आरआरसी ईसीआर पटना के रूप में। यहाँ पे देखिएगा, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है तो कैंसिल तो नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों को कुछ सिम्टम लगता है उनके लिए कहा है कि आप नहीं भी आएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में कराया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नोटिस 439/2019 रिलेटेड टू अपीयरेंस फॉर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिटवीन 18 to 21 March 2020 इन कोरोना वायरस इंस्पेक्शन स्कैन, अगर ऐसा लगता है आपको उसके लिए है। और ये 13 तारीख को आया था नोटिफिकेशन में 38/2018 में, जो आपका नॉन पीएच कैंडिडेट को थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो कैंडिडेट की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी थी। अगर इसे ओपन कर लेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो लिस्ट देखिए कोरोना वायरस के संबंध में इन्होंने दिया है, और यहाँ देखेंगे तो पूरी लिस्ट नीचे की तरफ आ रही है, और पूरी लिस्ट में देखेंगे तो बोला गया है, मेन हेडिंग ही वह लिखा हुआ है कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कोरोना के संक्रमण के लक्षण समय समय पर जारी किए गए लक्षणों के अनुसार से आपको आशंका है कि आपको आशंका वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य हिदायत दी जाती है कि वे दस्तावेज सत्यापन स अभ्यर्था जांच में शामिल न हो, उन्हें सत्यापन और सत्य जांच हेतु पुनः मौका अवसर प्रदान किया जाएगा, उन्हें रेलवे प्रकोष्ठ वेबसाइट पर इसके माध्यम से बताया जाएगा अगर कोई ऐसा पाया जाता है जिनको लगता है लक्षण उसके कारण से। तो ऐसे ऐसी कई आरआरसीओ में ये अपडेट आ रहा है, नॉर्दर्न रेलवे में भी आया है, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गोरखपुर में भी चल रहा था तो वहाँ भी हो सकता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी ट्रेनिंग या जो और की प्रोसेस हो रही है वो सस्पेक्ट किया जाएगा। और एक न्यूज़ और है जो मैं बता दूं आपको कि डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल का भी ट्रेनिंग स्टॉपेज हो रहा है धीरे धीरे, तो डीएमआरसी का भी हो रहा है, तो ये डीएमआरसी का भी ट्रेनिंग स्टॉप होगा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ट्रेनिंग होल्ड किया जाए, क्योंकि ये कोरोना वायरस का लास्ट थर्ड और फोर्थ स्टेज को क्रूशियल माना है लोगों ने, इसलिए गवर्नमेंट की हिदायत है कि थोड़े से जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है वहाँ पे कम किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।